तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री की। ये पूरा कार्यक्रम चूंकि संपन्न हो चुका है, अभी कुछ और प्रक्रिया बात की वो आप देख सकते हैं। इस वक्त रघुनंदन विराजमान हो चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और उसके बाद अभी कुछ प्रक्रियाएं हैं, पूजा पाठ की जो कि इस वक्त अभी चल रही है। प्रधानमंत्री को वो प्रक्रियाएं पूरी करते हुए इस वक्त आप देख सकते हैं, वो तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। रामेश्वर की उन्होंने आराधना की, तो पूरा देश जो है इस पल का साक्षी आज बना। जो किसी युद्ध के पहले सेतु बनाने का कार्य करती है, ये हमारी संस्कृति है। जो युद्ध की जगह नीति पर अपना ध्यान देती है, ये हमारी संस्कृति है। जो शाश्वत सनातन मूल्यों की स्थापना के लिए अपना दूत लंका में भेजती है, और यही हमारी संस्कृति है। जो किसी भी तरह से अगर धर्म की स्थापना नहीं होती है तो अंतिम स्तर पर धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध का भी वर्णन करती है और कहती है यतः धर्मो ततः विजय, यानी जहां धर्म है वहां जय। और विशाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, इस वक्त हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री कुछ और पूजा पाठ का जो कार्यक्रम है उसमें व्यस्त हैं, यहां पर जरा जानकारी दीजिएगा इस बारे में, अभी क्या कुछ और चल रहा है? देखिए तो चूंकि मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है वो पूरा हो चुका है, तमाम वीवीआईपी जो है वो बाहर निकल रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त तमाम जो वीवीआईपी थे वो अब जो है बाहर की तरफ आ रहे हैं, और अलग अलग तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तमाम वीवीआईपी से जो है बात करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि देखिए एक बड़ा कार्यक्रम था और इस पूरे कार्यक्रम के बाद अब यहाँ पर तमाम जो वीवीआईपी थे उनका जमावड़ा जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, और सभी लोग जो है वो अब धीरे धीरे बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अपने आप में बेहद अलग पल है, और लगातार जिस तरह से तस्वीरें आई हैं 500 सालों का जो इंतजार था वो इंतजार फिलहाल जो है खत्म हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चाहे वो हम तमाम जो अभिनेता की बात करें या पॉलिटिशियंस की बात करें या तमाम सभी लोग जो है अब धीरे धीरे बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ये तस्वीरें हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर जो तमाम जो खिलाड़ी हैं इसके साथ साथ जो तमाम लोग यहाँ बुलाए गए थे, चाहे महंत हों संत हों, वो सभी लोग जो है अब धीरे धीरे करके जो है बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बेहद खास हैं, और आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हैं, और तमाम जो अलग अलग लोग आए हुए हैं वो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से मेन गेट से जो है सभी को जो है बाहर निकाला जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, और यहाँ पर अब तमाम जो वीवीआईपी हैं उनके निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे कैमरा सहयोगी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो वीवीआईपी हैं वो अब बाहर की तरफ निकल रहे हैं, और अब एक एक करके चूंकि सभी की जो गेट्स हैं एंट्री गेट्स हैं वो अलग अलग हैं, तो ऐसे में सभी का जो है जो काफिला है सभी का जो गाड़ियों का वो अब जो है यहाँ पर लगाया जा चुका है। लगातार एक करके जो तमाम तस्वीरें हैं वो बाहर की तरफ आपको दिखाई पड़ेंगी। तो ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बेहद खास हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो राज्यों से इसके साथ साथ तमाम जो देशों से जो लोग यहाँ पर बुलाए गए थे आमंत्रित सदस्य वो यहाँ पर जो है पहुँचना शुरू हुए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और लगातार अब चूंकि अभी अनुपम खेर बाहर की तरफ निकले हुए हैं, हम कोशिश करेंगे अपने कैमरा सहयोगी से तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। ऐसे में तमाम जो वीवीआईपी हैं उनका जो रूट है उसको थोड़ा सा जो है अब सामने की तरफ से किया गया है। तो अभी चूंकि देखिए ये आप भीड़ का नज़ारा देखिएगा, एक बार हम चाहेंगे कि तस्वीरें जरूर दिखाएं भीड़ की। देखिए आप यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो केवल और केवल इस पूरे पल को यहाँ पर अपने कैमरों में कैद करने के लिए पहुंचे हुए थे, और सबसे बड़ी बात है कि बड़ी अनुभूति है। ये अपने आप में कहा जा सकता है कि एक अपना एक अलग माहौल जो है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तमाम जो यहाँ पर वीआईपी हैं वो धीरे धीरे यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में कोशिश करते हैं कि हम तमाम वीआईपी से बात भी करने की, लेकिन आपको एक तस्वीर भी दिखाते हैं, क्योंकि देखिए ये बेहद जो है अलग तस्वीर है। तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको जो है फॉलो कराया जा रहा है, एक आगे की तरफ का जो रूट है उसको जो है डाइवर्ट किया गया। तो ये तस्वीरें जो है ये अलग अलग तस्वीरें जो है वो दिखाई पड़ रही हैं, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तस्वीरें हैं, और ये फिलहाल आप ठीक बिल्कुल आप देखते हैं जो राम जन्मभूमि है, जो राम मंदिर है, उसका सामने का ये पूरा गेट है, और यहाँ पर फिलहाल जो है अभी अगर हम बात करें तो तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं, और एक एक करके जो है हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त क्या कुछ माहौल है। तमाम जो लोग हैं वो बिल्कुल भगवामय हो चुके हैं, सिक्योरिटी को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि जो बाहर से जो लोग आए हुए हैं जो गेस्ट
गेस्ट के तौर पर यहाँ पर आए थे उनको जो है अब यहाँ से जो है बाहर चूंकि निकालना है, तो ऐसे में वो लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो ये जो पूरा जो तस्वीर है ये हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार यहाँ पर एक अलग नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा। तो ये फिलहाल कह सकते हैं कि इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो बेहद खास होती हैं, और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है दिखाई पड़ेंगे, और अलग अलग तस्वीरें जो हैं हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें शायद ये कहा जा सकता है कि एक अलग नज़ारा जो है वो पेश करती है, और इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग हैं। कुछ और भी लोग हैं आप देख सकते हैं कि वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो एक तौर पर कह सकते हैं कि अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो हम दिखा रहे हैं। तो ये फिलहाल कहा जा सकता है कि ये जो अद्भुत पल है, 5 साल आप देख सकते हैं सामने की तरफ, देखिए सचिन का जो फैन है वो भी आपको देखिए यहाँ पे लगातार राष्ट्रीय ध्वज जो है वो फहराते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर आप हर तरफ केवल और केवल आप एक अलग माहौल का जो है आनंद ले सकते हैं, एक अलग माहौल जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो ये अपने आप में कहा जा सकता है कि पूरे माहौल को जो है समझने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो ये तस्वीरें बेहद खास हैं, और आज के दिन की अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन की जो है सबसे खास बात ये है कि आज का दिन है वो अब देखिए सामने की तरफ से हम आपको दिखा दें कि तमाम जो अभिनेता हैं वो अब बाहर की तरफ निकल रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको एक एक तस्वीर जो है वो यहाँ की दिखाएं, चूंकि यहाँ पर अलर्ट हो गया है, तमाम जो यहाँ पर गाड़ियाँ हैं वो बाहर की तरफ निकल रही हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तमाम एक एक तस्वीर जो है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो है ये तस्वीरें बेहद खास हैं, और लगातार अलग अलग जो है यहाँ पर आए हुए हैं उनकी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साफ एक की जो बिल्कुल साफ है कि वो ये है कि अब अगले जो कुछ दिन होंगे वो अयोध्या के लिए बेहद खास होंगे, क्योंकि अयोध्या में जो भीड़ है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से ये भीड़ जो है लगातार आई है, उसके बाद अगर आप बात करें तो तमाम जगहों से जो लोग आए हुए हैं वो अब दर्शन करने के लिए यहाँ पर कल से आएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर भीड़ भी जो है बहुत ज़्यादा होगी, और अभी भी देखिए आप अगर हम आप बात करें तो कतारों में आपको लोग दिखाई पड़ेंगे। तो ये अपने आप में एक अलग तस्वीर जो है वो फिलहाल दिखाई पड़ रही है, और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो VIPs हैं वो यहाँ पर रहिए। आप अब जो है आप चूंकि उनके जाने का जो है जो सतगुरु बाबा हैं, जो जगत गुरु सतगुरु बाबा हैं, वो अब यहाँ से जो है निकलने के लिए जा रहे हैं। तो गाड़ियाँ जो हैं अब उनकी सबकी गाड़ियाँ जो हैं फ्लीट जो हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं, और अलग अलग जो चूँकि गाड़ियाँ अलाउट की गई थी तो सभी लोग जो हैं अब धीरे धीरे यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो उससे पहले जो है ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक अलग नज़ारा था आज, काफ़ी लंबे अरसे का जो इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एक अलग नज़ारा जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। तो ये तस्वीरें बेहद खास हैं, बेहद जो है ये जरूरी तस्वीरें हैं, और अब चूंकि तमाम जो VIP से निकल रहे हैं तो कोशिश भी हम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखिए आप तमाम जो लोग हैं वो आपको यहाँ घर की छतों से जो है इस पूरे नज़ारे को जो है देखने के लिए यहाँ पर खड़े थे। एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई थी, और वहाँ पर उस स्क्रीन पर जो है प्रधानमंत्री का संबोधन जो है वो सुनाया जा रहा था। तो ये तस्वीरें अलग हैं, बिल्कुल अद्भुत हैं, और ये कहा जा सकता है कि ये 500 सालों के बाद ये जो लम्हा आया है, इस लम्हे को सभी लोग जो है अपने कैमरों में कैद करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए। तो ये तस्वीरें अलग दिखाई पड़ रही हैं, और फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक एक तस्वीर जो है हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक तस्वीर यहाँ पर यह है, और यहाँ पर फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अभी तमाम जो VIPs हैं वो निकल रहे हैं। सीधे तौर पर कह सकते हैं, हाँ, ये सीधे तौर पर कह सकते हैं कि देखिए ट्रस्ट के जो लोग हैं वो भी अब धीरे धीरे यहाँ से रवाना हो रहे हैं। एक एक तस्वीर हम दिखाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, और ये कहा जा सकता है कि अपने आप में एक अलग तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, वाकई में एक अलग तस्वीर है, और खूबसूरत ये तस्वीर भी है, क्योंकि रघुनंदन विराजमान हो चुके हैं, और रामलला का जब इस तरीके से आगमन हुआ है तो जाहिर तौर पर ये एक भव्यता जो है वो दिखनी बनती ही है। विशाल, चूंकि हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से मेहमान अब वापस निकल रहे हैं यहाँ से, और कैसे सिलसिला जो है वो पहले से ही शुरू हो गया था यहाँ पर पहुँचने का इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, चूंकि अब लोग निकल भी रहे हैं, व्यवस्थाएं भी तमाम चीजें देखनी है, किस तरीके से चीजों को हैंडल फिलहाल किया जा रहा है, और आगे अब क्योंकि आमजन जो है वो भी रामलला के दर्शन कर पाएंगे, तो कल से कह सकते हैं अयोध्या में एक और भीड़ देखने को मिलेगी। ये तो VVIP लोग थे, लेकिन कल से आमजन जो होंगे रामलला के दर्शन को जो उत्साहित है वो भीड़ भी देखने को मिलेगी।
देखिए बिल्कुल, जो राम लला के दर्शन करते हैं उनके लिए भी एक अलग से व्यवस्था जो है की जा रही है, क्योंकि देखिए आम लोग हैं, अब कल से इनकी एंट्री शुरू हो जाएगी। तो देखिए अब एक पूरा जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, सिक्योरिटी कॉरिडोर, और जिससे तमाम जो वीवीआईपी से उनको बाहर निकाला जाएगा। और चूंकि देखिए आपको मैं बता रहा था कि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, इस वजह से यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है सिक्योरिटी रीजन से जो वीवीआईपी से उनको अंदर ही रोक दिया गया था, उनको अभी बाहर की तरफ निकाला जाएगा। और चूंकि देखिए यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो लगा दी गई हैं, लेकिन अभी चूंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, सभी वीवीआईपी आपको कॉरिडोर की तरफ दिखाई पड़ेंगे, सामने की तरफ कॉरिडोर आप देख रहे हैं, और वहाँ पर जो है ये तमाम जो वीवीआईपी हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे। बस इंतजार किया जा रहा है कि तमाम वीवीआईपी बाहर की तरफ निकलें, और उसके बाद जो है सीधे वो जो है अपनी गाड़ी में बैठेंगे, यहाँ से रवाना हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ये एक बड़ी खास बात है कि आज का जो दिन था उस दौरान जो है प्रधानमंत्री ने जो है अपने संबोधन के बाद सभी से मुलाकात की, सभी का अभिवादन लिया और सभी से जो है व्यक्तिगत पर है, तो ऐसे में राम मंदिर के अंदर की जो तस्वीर है वो एक अलग अलग दिखाई पड़ रही है। तो ये तस्वीरें अपने आप में अलग हैं, और ये कहा जा सकता है कि लगातार एक एक तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक एक तस्वीर यहाँ की क्या है, और ये अपने आप में कह सकते हैं कि एक बड़ा पल है और अपने आप में अद्भुत पल है। तो ये तस्वीरें अलग हैं, और अब फिलहाल